हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। नमस्ते। एक बढ़िया हेयर कलर बालों के ग्रेज को कवर करने के साथ साथ शाइनिंग भी देता है। बहुत से लोग बालों को एक नया अंदाज देने के लिए भी हेयर कलर करते हैं, लेकिन बालों में हेयर कलर या हेयर डाई लगाते समय त्वचा में भी उसके दाग लग जाते हैं। हाथों में, फेस में, हेयर लाइन के आसपास अगर हेयर कलर या हेयर डाई का दाग लग जाए तो उसको अपनी त्वचा से कैसे साफ करें, ये जानने के लिए पूरा वीडियो जरूर देखें। मैंने इस वीडियो में हेयर कलर को त्वचा से रिमूव करने के लिए 8 बेस्ट तरीके शेयर किए हैं। अगर एक तरीका नहीं काम करे तो आप दूसरा तरीका उपयोग में ला सकते हैं। पहला तरीका है त्वचा से हेयर कलर को रिमूव करने का, कि आप प्रभावित हिस्से में बेबी ऑयल या ऑलिव ऑयल में से किसी एक तेल से मसाज करें। कुछ देर मसाज करने के बाद उसको हल्के गुनगुने पानी से धो लें। ऐसा दिन में 3 से 4 बार करें। आप बेबी ऑयल या ऑलिव ऑयल को रात भर लगाकर भी रख सकते हैं। ऑयल को रात भर लगा रहने दें और सुबह धो लें। अगर तेल के डब्बे बेड में या कपड़ों में लगने का डर हो तो ऑयल लगाने के बाद प्रभावित हिस्से को कॉटन बैंडेज से कवर कर लें। हाथों में लगाएं तो कॉटन के ग्लव्स पहनें। अगर इस तरीके से स्टेन साफ नहीं हो तो दूसरा मेथड यूज करें। सेकेंड है नेल पॉलिश रिमूवर। रुई को नेल पॉलिश रिमूवर में डुबोएं और उससे त्वचा में लगे हुए हेयर कलर को साफ करें। इसको ज़्यादा रब नहीं करें, कुछ सेकंड ही रब करें और पानी से साफ करें। संभव है कि इससे थोड़ी सी जलन हो। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो इसको फेस पर नहीं यूज करें। हेयर कलर के दाग धब्बों को साफ करने के लिए एसीटोन वाले नेल रिमूवर का ही यूज करें। स्किन सेंसिटिव हो तो चेहरे पर नहीं यूज करें, हाथों में यूज कर सकते हैं। अगर नेल पॉलिश रिमूवर से एलर्जी हो तो भी इसका इस्तेमाल नहीं करें और ना ही आँखों के आसपास लगाएं। थर्ड है टूथपेस्ट। त्वचा के जिस हिस्से में हेयर कलर लगा हो वहां पर टूथपेस्ट लगा लें और उसको हल्के हाथों से रब करें। आधा मिनट रब करने के बाद उसको छोड़ दें और अच्छी तरह से सूखने दें। पेस्ट को सूखने के बाद हल्के गुनगुने पानी से धो लें। फोर्थ है पेट्रोलियम जेली। पेट्रोलियम जेली को प्रभावित हिस्से पर लगा करके मसाज करें। हो सकता है कि एक बार में हेयर कलर का स्टेन साफ नहीं हो तो उसको दिन में 3 से 4 बार लगाएं। इससे निशान चला जाएगा। पेट्रोलियम जेली को भी रात भर लगा करके रख सकते हैं। पेट्रोलियम जेली को रात में हेयर कलर स्टेन में लगा लें और सुबह उसको गुनगुने पानी से वॉश करें। फिफ्थ है मेकअप रिमूवर। मेकअप रिमूवर को रुई या कॉटन बॉल से हेयर कलर स्टेन पर लगाएं। ऐसा करने से भी हेयर कलर का दाग चला जाएगा। नंबर 6, कॉम्बिनेशन ऑफ बेकिंग सोडा एंड डिश वॉशर सोप। बेकिंग सोडा और डिश वॉशर सोप को मिलाकर के एक पेस्ट जैसा बना लें। इसके लिए दोनों ही चीजें एक एक चम्मच लें। आप इसमें थोड़ा सा नींबू का रस भी मिला सकते हैं। इसको हेयर कलर के ऊपर आधे से 1 मिनट तक रब करिए और उसके बाद हल्के गुनगुने पानी से साफ करें। अगर एक बार में त्वचा क्लीन नहीं हो तो इसको दोबारा करें। ध्यान रखें कि इसको इस्तेमाल करने से बर्निंग, ईचिंग यानी जलन, खुजली जैसी कोई समस्या तो नहीं हो रही है। अगर ऐसा हो तो इसका इस्तेमाल नहीं करें। वैसे इसको अपनी त्वचा में लगाने से पहले पैच टेस्ट करके देख लें। आंखों के आसपास नहीं लगाएं। नंबर 7, हेयर स्प्रे। हेयर कलर स्टेन या हेयर डाई स्टेन को हटाने के लिए हेयर स्प्रे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हेयर स्प्रे में एल्कोहल होता है। हाथों को साफ करने के लिए इसको डायरेक्ट हाथों में स्प्रे करें और रब करके गुनगुने पानी से वॉश कर लें। फेस में लगाने से पहले पैच टेस्ट जरूर करें और इसको कॉटन बाल से ही अप्लाई करें। नंबर 8, मिल्क। आप मिल्क को भी हेयर कलर स्टेन हटाने के लिए उपयोग में ला सकते हैं। कच्चे दूध को लेकर के प्रभावित त्वचा में रब करें और हल्के गुनगुने पानी से उसको क्लीन करें। तो ये थे त्वचा से हेयर कलर या हेयर डाई के स्टेन, दाग धब्बे के हटाने के लिए कुछ तरीके। वैसे हेयर कलर या हेयर डाई त्वचा में नहीं लगे इसके लिए अपनी हेयर लाइन के आसपास पेट्रोलियम जेली या मॉइस्चराइजिंग क्रीम की एक लेयर सी लगा दें। ऐसा करने से त्वचा हेयर कलर से प्रोटेक्ट रहती है और हेयर कलर या हेयर डाई के दाग जल्दी छूट जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप अपनी जरूरत के अनुसार इन तरीकों का इस्तेमाल करें। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। बाय।